अभी तक अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने तबरेज अंसारी की बेवा को बहन बोला है, इससे बड़ा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हर बार आप लोग गवाह हैं कि चार बार इससे पूर्व मुलाकात हो चुकी, पांचवी बार आज तबरेज अंसारी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन दो साल पहले तबरेज अंसारी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जो विश्वव्यापी ये खबर बना था, सबको झिझोर के रख दिया था। लेकिन तब वो भाजपा की सरकार थी, आज हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम यूपीए की सरकार है। जब हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री नहीं थे तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में ये बोला करते थे कि नहीं तबरेज अंसारी को इंसाफ मिलेगा, मॉब लिंचिंग पे कानून बनेगी, ये सारा बातें जो है वो खुलेआम करते थे, रिकॉर्डेड है। लेकिन आज चार बार के बाद आज पाँचवीं बार हम विधानसभा आए हैं, शाइस्ता भी आने वाली थी लेकिन तबीयत ख़राब है उसका, वो नहीं आ सकी है। तो हम पाँचवीं बार आए हैं तो आज सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। हम कोशिश करेंगे कि कल उनसे मिलें और उनसे जो मेन बुंदुओं पे जो डिमांड है कि एक मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा आपने मुबारक अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई, कुछ दिन पहले रांची के अंतर आत्मा जो है अपर बाजार सचिन वर्मा की मॉब लिंचिंग हुई। धर्म कोई भी हो, मॉब लिंचिंग लोकतंत्र के लिए अभिशाप की तरह है, इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने बना दिया, अब जो है हेमंत सोरेन से पूरे राज्यवासी ये जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस पे कड़ा कानून कब बनेगा। कानून के अंदर आश्रित को 25 लाख रुपए का मुआवजा की डिमांड है, आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, और जो है इस केस की जो ऐसे कुछ कोई भी मॉब लिंचिंग घटता है तो उसको सालों साल ना जो है घुमाया जाए, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन जो है ला करके जल्द से जल्द जो है सुनवाई की जाए। आपको मालूम सुनकर आश्चर्य होगा कि जो है तबरेज अंसारी को जितने मॉब लिंचिंग में मारने वाले थे आज के डेट में सारे के सारे बेल पे छूटे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जो है कानून और किसी भी चीज़ का डर नहीं है, और भी मतलब वो कर सकते हैं। अभी माहौल को दबा रहे हैं, हमको कितना बार प्रताड़ित किया जा रहा है इंटरनली जो रिकॉर्डेड नहीं, हमें जान से खतरा है, हमको जो है बोला जा रहा है कि आप इस केस से हट जाइए अन्यथा आपके साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या करें, लेकिन आखिरी दम तक कि तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हुआ है और भी मॉब लिंचिंग बहुत हुए हैं, झारखंड ऐसा राज्य है कि सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग झारखंड में हुआ है। हम जो है हक के लिए लड़ते रहेंगे, आज पांचवी बार आए हैं और हेमंत सोरेन साहब हमारे जो राज्य के बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और उनसे राज्य की जनता बहुत अपेक्षा की हुई है कि इस पर कानून बने।